तो हम शुरू करते हैं, हमने थोड़ा सा ट्राइब्स पढ़ रहे थे और ट्राइब्स तो हमने सबसे पहले गौंड जनजाति को पढ़ा था। तो गौंड जनजाति का हमने ये बोला था कि इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो तेलुगु, जो तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश, वहां के एक शब्द के कोंड शब्द से हुई थी। कल मैंने आपको बताया था उसका मतलब होता है पर्वत, ये पर्वतवासी। तो आप याद कर सकते हो कि गौंड जो लोग होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं, पर्वत में या पर्वतवासी में होते हैं। फिर मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि ये जो होते हैं इनकी जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, गौड़ी भाषा होती है। और मैंने आपको बताया था ये नर्मदा घाटी के आसपास ही पाए जाते हैं, वहीं आपको देखने मिलेंगे। मतलब जो नर्मदा घाटी के आसपास का जो इलाका है, जैसे छिंदवाड़ा है, बैतूल है, बड़वानी है, धार है, ये कुछ जिले में ये क्या पाए जाते हैं, मुक्ता वहां पर ये पाए जाते हैं। फिर हमने इसका क्या देखा था, इसका वर्गीकरण देखा था, इनका जो वर्गीकरण है, इनका क्लासिफिकेशन देखा था, दो टाइप से हमने देखा था। एक किस पर देखा था, इनका व्यवसाय के आधार पर, कि जो व्यवसाय कुछ जैसे जो लोहे का काम करते हैं उस जाति को हमने क्या बोल दिया, इनकी जो सब कास्ट थी उनको हमने अगरिया बोल दिया। जो पुजारियों का काम करते हैं उनको हम क्या बोल दिए, प्रधान बोल दिए। एक मैंने बताया था कि कौन सा बताया था, एक भूतिस करके बुलाए, भूतिस मैंने बताया था कि भूत लोग क्या करते हैं, नाच गाना करते हैं। तो ये वाली जाति क्या करती है, नाच गाना करके अपना जीवन चलाती है। एक सोलास बताया था, सोलास मतलब जो बढ़ई का काम करते हैं, तो ये व्यवसाय के आधार में बता दिया था। फिर एक संपत्ति के आधार में बता दिया था कि तीन प्रकार के गौड़ होते हैं, एक राज गौड़, तो राज से आप राजा जोड़ सकते हो, मतलब जिनके पास संपत्ति बहुत होगी उसको हम क्या बोल देंगे, राज गौड़। एक होता है धुर गौड़, मतलब ये साधारण होते हैं, मतलब इनके पास जमीन नहीं होती है, मजदूर वर्ग कहना चाहिए, तो वो हो गया। तीसरा मैंने बताया था जो इनमें पिछड़े होते हैं वो भूरिया और मारिया जाति होती है, जो क्या होती है, इनमें पिछड़ी जनजाति होती है। तो हमने इतना पढ़ लिया था, ठीक है, चलिए यहां तक देख लिए थे। अब अगला टॉपिक लिखिए, इनके में कुछ सामाजिक विशेषताएं देखते हैं, ना कुछ सोशल स्पेशलिटी होती है इनमें गौंड जनजाति में, सामाजिक विशेषताएं होती हैं। सामाजिक विशेषताएं में क्या देखना चाहेगा हमें, कि ये पितृसत्तात्मक होते हैं, मतलब जो इनकी यहां पे जो संस्कृति चलती है वो कैसी होती है, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक होते हैं, मतलब पिता का ज्यादा रोल चलता है। वैसे सभी जगह पिता का ही चलता है, तो इनकी कास्ट में देखा जाता है कि जो पितृ सत्तात्मक होते हैं, ठीक है, मतलब पिता जो माने जो पिता वाला जो घर रहता है, जो पैट्रियल होता है, उनको लोग ज्यादा मानते हैं, वहां की प्रथा को ज्यादा फॉलो करते हैं, वहां के जो भी आपको रिचुअल्स है, जो भी कस्टम है, वहां के रीति रिवाज जो है उनको फॉलो करते हैं। और जो यहाँ का मुखिया होता है, जो घर का जो मुखिया होता है, वो वृद्ध पुरुष को मानते हैं, किसको मानते हैं, जो वृद्ध जो ओल्ड मैन होता है वृद्ध पुरुष को मानते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली समझते हो, आजकल तो देखने कम मिलती है, संयुक्त परिवार मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता है, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली में देखने मिलता है। और इनमें एक और चीज देखने मिलती है, वो क्या, वधु, इसे कहते हैं ब्राइड, एक वधु करके क्या होता है ना, एक ब्राइड, प्राइड में अपन ने एक इसको, इसका हिंदी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, ब्राइड प्राइड बोलते हैं इसको, मतलब दहेज प्रथा जैसी एक ये होती है, इसका हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको लिख लिया, इसमें ये प्रचलन रहता है इनका, प्रचलन। ब्राइड प्राइड मतलब क्या होता है, कि जो जैसे आपके में दहेज प्रथा होती है ना, जैसे आज की जो डेवलप सोसाइटी कहा जाता है उसमें क्या होता है कि आजकल लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को दहेज, सॉरी लड़की वाले लड़कियों क्या करते हैं, दहेज देते हैं, वैसे इनके में एक ब्राइड प्राइड करके एक प्रथा चलती है, उसमें क्या होता है कि जो ये दहेज देते हैं मगर उसके कुछ दिन के बाद कन्या को वापस कर देते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब एक नीची सोसाइटी के आके भी कितनी अच्छी इनकी सोच है, जो आपकी सोच है, जो आप डेवलप सोसाइटी कहते हो, जिसमें जो लोग शादी करते हैं उसमें क्या होता है, लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं और वो वापस नहीं करते,
पर इनमें जो एक प्रथा होती है ब्राइड प्राइड करके, इसमें क्या होता है कि शादी तो होती है माने लड़की वाले दहेज देते हैं और वो उसको वापस कर देते हैं। तो ब्राइड प्राइड करके एक बधू करके कुछ नाम है इसका हिंदी का, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, तो वो यहाँ पे प्रचलन है। ठीक है, चलिए तो ये इसकी सामाजिक विशेषताएं हो गई। क्या पितृ सत्तात्मक, मुखिया जो होता है वो वृद्ध पुरुष होता है, संयुक्त परिवार में रहते हैं ये ज्वाइंट फैमिली में, और आ गया नाम याद, बधू मूल्य, लिख लीजिए क्या होता है, बधू, बधू मूल्य प्रचलन होता है, बधू मूल्य का बहुत ज्यादा प्रचलन होता है, ब्राइड प्राइड कहते हैं, बहुत चलता है बधू मूल्य। समझ में आ रहा है बधू मूल्य मतलब, समझ में आ रहा है कि कन्या वाले जो लड़के पक्ष होते हैं उनको क्या होते हैं दहेज के रूप में, मतलब दहेज नहीं होता ये, एक सिक्योरिटी के रूप में उनको क्या कह दिया, पैसे दिया जाता है और बाद में वो उनको क्या वापस कर देते हैं, और हमारे यहाँ पे तो दिए है ना। चलिए तो सामाजिक के बाद अगला लिखिए, अगला कौन सी होती है बताइए, अगली कौन सी होती है बताइए। सामाजिक हो गई, सोशल देख ली इनके में, अब इनके में आर्थिक देख लीजिए, आर्थिक विशेषताएं क्या होती है, आर्थिक विशेषताएं में क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कृषि और शिकार करते हैं, ये अपने आर्थिक जीवन या इकोनॉमिकल में क्या करते हैं, कृषि करते हैं और क्या करते हैं शिकार करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और हंटिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सी कृषि करते हैं, ये दाहिया, कौन सी कृषि करते हैं, दाहिया कृषि करते हैं, पूछेगा कौन सी कृषि करते हैं, दाहिया कृषि, ये क्या होती है कोई बताएगा, आपने सुना होगा एक नाम झूम कृषि, शिफ्टिंग झूम कृषि, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी का नाम है जो गौंड जनजाति करती है, तो वो इसको दाहिया के नाम से जानी जाती है, मतलब झूम कृषि का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट साइड जो है भारत के उस पर झूम कृषि कहते हैं, अलग अलग नाम है, इसी को बैगा करेंगे तो बैवर कहेंगे, इसी को हमारे यहाँ के ढील करेंगे तो उनको चिमाता कृषि कहते हैं, और इसी को हमारे यहाँ की गौंड जनजाति कहते हैं तो क्या बोलते हैं दाहिया जनजाति कहती है। झूम कृषि क्या होती है, आज कल सरकार ने इसको बैन कर दिया है, ये झूम कृषि आंध्र प्रदेश में इसी को पोंडू कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसी को दीपा कहते हैं, इसके अनेक 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 नाम है, मगर झूम कृषि जो होती है वो क्या होती है कि पहले जंगलों को आग लगा दिया जाता है और आग लगा के जाके तो उसको जो राख बनती है उसमें कुछ उर्वरक शक्ति रहती है, तो जब तक वहां पर लोग कृषि करते हैं और उसके बाद जैसे उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो ये उसको वहां के छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इसको हम झूम कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए तो आर्थिक विशेषताएं क्या हो गई इनकी, ये कृषि करते हैं शिकार करते हैं और दाहिया कृषि करते हैं। समझ में आया, अगला लिखिए इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, क्या होती है सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए मुझे। सबसे पहले इनका प्रचलन है विवाह, विवाह देखिए इनके में कौन कौन से विवाह होते हैं, बहुत से टाइप के विवाह होते हैं, सबसे फेमस है क्या क्या बताइए, दूध लौटावा, दूसरा चण विवाह, तीसरा पठौनी विवाह, और लिखिए सेवा विवाह, लम्बसेना विवाह, ये कुछ प्रमुख विवाह जो होते हैं इनके प्रचलन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दूध लौटावा, क्या होता है दूध लौटावा कोई बताएगा, ये बहुत प्रचलित रहता है दूध विवाह, ये मैंने आपको बताया था जो ट्राइब्स रहती हैं ये अदर कास्ट से डरती हैं,
बाहर की ट्राइब से डरती है, इसलिए जो शादी होती है ये दूसरी जगह नहीं करते। तो इनके में एक प्रथा चलती है दूध लौटावा, मतलब मामा और बुआ, मामा और बुआ कि बच्चों में शादी हो जाती है, मतलब इनका लड़का होगा, इनकी लड़की होगी, या इनकी लड़की होगी और इनके लड़का होंगे, उनमें क्या होते हैं, इनके बीच में शादी हो जाती है, जिसको दूध लौटावा कहा जाता है। समझ में आया? अगला विवाह का बात करते हैं हम, चण विवाह। क्या होता है चण विवाह में, जो हिंदू की डेवलप सोसाइटी में प्रचलित है, उसमें क्या होता है, लड़के बारात लेके जाते हैं, लड़के बारात लेकर जाते हैं। क्लियर? और पठौनी विवाह में क्या होता है, लड़की बारात लेके जाती है, लड़की बारात लेकर जाती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है सेवा विवाह। सेवा से आपको समझ में आना होगा कि जो लड़का रहता है वो क्या कहता है, लड़की के यहां पे जाता है और कुछ दिन वहां पे सेवा करता है। सेवा करने से अगर उसके ससुर को पसंद आ गया तो वो उनसे क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। तो उनको बोलते थे हम सेवा विवाह। समझ में आया? और उसके बाद एक होता है लंब सेना विवाह। लंब सेना विवाह मतलब क्या होता है, जमाई राजा, मतलब जो जमाई बन जाते हैं ना शादी के बाद, लड़की पक्ष में ही रहते हैं, तो उन्हें हम इनकी भाषा में कहते हैं लंब सेना। समझ में आ रहा है? हाँ, जो घर जमाई है, जमाई अपन कहते हैं, तो वो जो लंब सेना विवाह होता है। तो ये जो विवाह है कुछ प्रचलन है इनके में, जिनमें बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है दूध लौटावा। चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, सेवा विवाह, लंब सेना विवाह, लिख लीजिए। आप हिंदू के धर्म में अगर आप देखोगे, कभी ग्रंथ में जाओगे, तो आठ विवाह का प्रचलन है यहां पे। आठ विवाह को बताया गया है यहां पे। जैसे गंधर्व विवाह क्षत्रिय लोग करते हैं, जो युद्ध करने जाते थे तो वो तलवार गड़ाकर वहां पे क्या शादी कर लिया करते थे। एक पाश्च विवाह है, एक राक्षस विवाह है, ऐसे आठ विवाह का वर्णन। एक ब्रह्म विवाह है कि लड़का क्या कहते हैं, पिता अपनी मर्जी से लड़की की शादी कर देता है। तो ऐसे आठ विवाह का उल्लेख हमारे वेदों में बताया गया है। ठीक है, चलिए समझ में आया। दूध लौटावा, चल विवाह, पठौनी विवाह, सेवा विवाह, लमसेना विवाह क्या होता है, सब चीज समझ में आया। अगला लिखिए इनका, इन लोग का नृत्य लिखिए। विवाह के बाद क्या लिखिए, नृत्य लिखिए, नृत्य लिखिए, डांस। कौन कौन सा डांस करते हैं, तो गा से आप याद सकते हो, एक गेंडी होता है, गोचो, गेंडी, गोचो, और गौड़ जनजाति और बैगा जनजाति दोनों करती है जो एक बहुत फेमस डांस है, कर्मा, सुआ। कर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र डांस है जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। समझ में आ रहा है? और ये कर्मा महिलाओं के द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा होता है, और गिनीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा होता है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। विश्व का एकमात्र, लिख सकते हैं आप, विश्व का एकमात्र नृत्य। और मादर करके इस पे एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, मादर, ठीक है, एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसे कर्मा का परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, कर्मा नृत्य बहुत फेमस है। एक रीना नृत्य भी होता है, आपने सुना होगा, रीना नृत्य भी करते हैं।
ठीक है, इन लोग कुछ पर्व भी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, या पर्व बोल दीजिए, कौन सा पर्व मनाते हैं कोई बताएगा? इनका सबसे प्रचलित है मड़ई। विरहा, ये बहुत प्रचलित है, मड़ई है, विरहा, मड़ई जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन मनाता है, कौन जनजाति, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमने सामाजिक देख लिया इनका, आर्थिक देख लिया, और आर्थिक के बाद क्या देख लिया हमने, इनके सांस्कृतिक देख लिया, है ना। अब सांस्कृतिक के बाद क्या बचा हमारा, धार्मिक, है ना। अगले लिखिए धार्मिक, इनकी धार्मिक विशेषताएं लिखिए। क्या धार्मिक विशेषताएं होते हैं ये, जो देखिए ये हिंदू के तरह ही हनुमान शिव और दुर्गा की पूजा करते हैं। एक शब्द में हम बोले तो हिंदू देवताओं को भी ये मानते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके जो कुल के देवता होते हैं, इनके जो कुल के देवता होते हैं उनको भी इन लोग बहुत मानते हैं, जिसमें बूढ़ा देव, नारायण देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, बड़ा देव, और जो सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं कौन होते हैं, बूढ़ा देव। नारायण, आ रहा है समझ में? चलिए, समझ में आया इनकी धार्मिक विशेषता क्या हुई, इन्होंने हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी की पूजा भी करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? पूजा भी करते हैं, मतलब हिंदू देवी देवताओं को बहुत मानते हैं ये, और इनके कुल देवता देखेंगे तो बूढ़ा देव, नारायण देव, महादेव, है ना, और महत्वपूर्ण देवता होते हैं कौन से, बूढ़ा देव, समझ में आ रहा है? चलिए, और इनकी देखते हैं कुछ क्या है और विशेषताएं धार्मिक, और कोई बताएगा कोई? चलिए, और लिखिए अब कुछ इनकी विशेषताएं लिखिए। इनकी विशेषताएं में तो सबसे पहले यही लिखिए, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। 2019 में गौड़ी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम में शामिल किया गया है, कोई बताएगा? मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम कब बनी, कोई बोलेगा कब बनी ये बताइए? 1968 में बनी है, 1968, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। होशंगाबाद में जो स्टाम्प पेपर बनते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल्स, वो भी बनी है। 1975 में देवास बना था, 1968 जो में बनी थी क्या, होशंगाबाद में, ठीक है, समझ में आ रहा है? और 1968 में ही जबलपुर न्यायालय की दो खंडपीठ, ग्वालियर और इंदौर भी का सृजन भी हुआ है 1968 में, ठीक है। और होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल्स कब बनी है, 1968 में ही बनी है। और मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम भी कब बना है, 1968 में, ये टाइम चल रहा था जब इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2019 में जो गोंडी भाषा है उसको हमने क्या किया, मध्य प्रदेश के पाठ पुस्तक निगम में शामिल कर दिया गया। एक लिखिए खारुल पाता, क्या होता है ये, खरुल, सॉरी,
हरुल पाता, ये एक गीत होता है, ये मृत्यु पर गाया जाता है, मृत्यु पर गाया जाता है, ठीक है। खरुल पाता, ये जब इनके यहां पर मृत्यु हो जाती है ना किसी की, तो गाया जाता है। जैसे कोरकू में एक और प्रथा बहुत फेमस है, सिटनी प्रथा, सिटनी प्रथा कहते हैं। तो वो भी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं कोरकू, ये मुक्ता आपको बैतूल होशंगाबाद के पास देखने मिलेगी, अपन चर्चा करेंगे, उनमें एक सिठोनी प्रथा करके चलती है, मैं आपको बताऊंगा। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उस प्रथा को लोग पालन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दफनाया जाता है। सिठोनी प्रथा में क्या होता है कि सबको दफना दिया जाता है, और जैसे क्रिश्चियन लोग जो एक वो बना देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उनकी एक, हाँ, एक समाधि जो बना देते हैं, उसी टाइप की लकड़ी का निर्माण कर देते हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है, बताऊंगा अभी आपको। तो इस पर चलती है खरुल पाता, खरुल पाता एक गीत होता है जो मृत्यु पर गाया जाता है। और एक लिखिए घोटुल प्रथा, एक घोटुल प्रथा भी यहां पे प्रचलित रहती है, उसको भी ऐड कर लीजिए, घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा में युवा युवक को शिक्षा दिया जाता है, युवा युवा युवती को शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। घोटुल प्रथा का भी यहां पर प्रचलन है। क्लियर? और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जनजाति समूह में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी देखने मिलती है, गौंड जनजाति देखती है। ये प्रकार से हमारी पूरी गौंड ट्राइब कंप्लीट हो गई। समझ में आया क्या क्या देखिए हमने आज, देखिए हमने इनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं देखिए, सामाजिक विशेषताएं में क्या देखिए, पितृ सत्तात्मक होती है, इनका जो मुखिया होता है वो वृद्ध पुरुष होता है, संयुक्त परिवार में ये निवास करते हैं, और बधु मूल जैसी इसमें क्या होती है, एक प्रथा प्रचलन में रहती है। इसके बाद हमने आगे देखा आर्थिक कुछ क्रियाएं किया, आर्थिक मतलब जहां से इनका रोजगार चलता है, तो जो कृषि एवं शिकार कौन से गौण करेंगे, राजगौण नहीं करेंगे, अगर कभी पूछेगा राजगौण नहीं करेंगे, क्यों क्यों नहीं करेंगे भाई, उनके पास तो ऑलरेडी जमीन है ना, जो मजदूर वर्ग है ये भूरिया ये मारिया वो करते हैं कृषि या हंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद दाहिया जो होती है इनकी इनकी कृषि को कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक विशेषताएं में बोलेंगे तो क्या होता है, विवाह इन लोग का भी बहुत प्रचलित है, एक है दूध विवाह जो मामा और बुआ में हो जाता है। अच्छा एक चीज और देखिए, जो राजगौण है, एक होते हैं ना राजगौण और एक होते हैं दुर्गौण, तो ये लड़की की शादी राजगौण में हो जाती है, मगर यहां पर यह शादी नहीं होती, मतलब अगर राजगौण की लड़की है तो वो दुर्गौण में शादी नहीं कर पाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जो ये अगर दुर्गौण की लड़की है, अगर दुर्गौण की लड़की है तो उसकी शादी कहाँ हो जाएगी, राजगौण में हो जाएगी, मगर राजगौण की अगर लड़की है उसकी शादी दुर्गौण में नहीं होगी, ठीक है, ऐसा इनके में प्रचलन है। चलिए आगे हमने देखिए चढ़ विवाह, चढ़ विवाह मतलब लड़के क्या होते हैं, बारात लेके जाते हैं, पठौनी में लड़कियां जाती हैं, सेवा विवाह में क्या करते हैं, लड़के सेवा करते हैं कन्या के पिता के यहाँ पे, ठीक है। और लम्बसेना विवाह में क्या बोलेंगे, जमाई राजा, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए इनके में नृत्य था, गेंडी गा से याद रख सकते हो, गोचो कर्मा बहुत फेमस है, सुआ रीना नृत्य जो है बहुत प्रचलन है किस पे, गौंड जनजाति में। और जो कर्मा की हमने बात कर रहे थे, कर्मा क्या होता है, महिलाओं द्वारा होता है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, विश्व का एकमात्र नृत्य जो वाद्य यंत्र मादर के साथ किया जाता है, और यहाँ के त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं मड़ई बिरा, ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, क्लियर। आगे हमने देखा इनकी धार्मिक विशेषताएं, ये हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं, और इनकी कुछ देवताएं होते हैं, बूढ़ा देव नारायण देव बड़ा देव, और महत्वपूर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बूढ़ा देव, इनके कुल देवता होते हैं, वैसे सभी के कुल देवता होते हैं मगर इनके प्रमुख है, ठीक है, उनके स्पेशल नाम है, ठीक है।
इसके बाद हमने देखा इनकी विशेषता में भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है जो गोंडी भाषा बोली जाती है, इसको मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक में 1968 में शामिल कर दिया गया था। और खारुल पाता इनके मृत्यु पर गाया जाने वाला एक गीत है। और घोटुल प्रथा जो युवक युवती को शिक्षा दिया जाता है उसका भी यहाँ पे प्रचलन है। क्लियर? अगला लिखिए, कौन सी जनजाति? लिखिए भील। भील जनजाति की हम उत्पत्ति की बात करें, हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो पूछेगा इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो संस्कृत का एक शब्द होता है भील, है ना, भाषा याद रख सकते हो आप। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के शब्द पिल से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या क्या होता है, धनुष। क्या होता है? धनुष। अच्छा, और लिख सकते हो आप, अगर इनकी विशेषताएं में और भी लिख सकते हो, जिनके मोहल्ले होते हैं उनको टोला बोला जाता है, जिनके मोहल्ले होते हैं उनको टोला बोला जाता है। और ये भी कहां से आते हैं, ये भी प्रोटो आस्टाइड, बताया था ना आपको कि अगर नीचे साइड जाएंगे आपको तो क्या बोलेगा, नार्डिक मिलेंगे, और अगर पश्चिमी साइड आपको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, प्रोटो आस्टाइड मिलेंगे, और भारत के पूर्वी साइड आप जाओगे तो यहाँ पे मंगोलाइड मिलेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोस्टोआइड या द्रविड़ कास्ट, द्रविड़ के भी होते हैं, कौन, गोंड, लिख लीजिए। और एक और चीज क्या बताया मैंने, क्या बताया बताइए, हाँ हाँ, इनके जो मोहल्ले होते हैं उनको टोला बोला जाता है, लिख लीजिए, गौंड जनजाति के मोहल्ले को टोला बोला जाता है। और ये भी, हाँ नहीं, भील नहीं, गौंड, गौंड के जो मोहल्ले होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, टोला, क्या बोला जाता है, टोला बोला जाता है। अब भील ट्राइब लिखिए, तो भील की जो उत्पत्ति होती है वो संस्कृत के शब्द भील से होती है, जिसका अर्थ होता है धनुष। लोग धनुष को बहुत प्रिय मानते हैं, ठीक है, अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। और 18 जून 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये किसके किसके बीच में हुआ था, कोई बताएगा? अकबर वर्सेस मेवाड़ के जो राजा थे उस समय, महाराणा प्रताप, और इनके तरफ से नेतृत्व कर रहा था, लीडर कर रहे थे कौन, राजा मानसिंह। इस युद्ध में कोई निर्णायक युद्ध नहीं था ये, इसमें इतिहास में कुछ बताता नहीं कि कौन इस पर विजय हुआ, ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है इसमें महाराणा प्रताप का जो साथ देते हैं वो कौन सी जनजाति दी जाती है, क्वेश्चन आ चुका है, भील जनजाति उस युद्ध में शामिल होती है, ये अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में बहुत फेमस है, गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किए थे महाराणा प्रताप ने, मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, मोटा उदय सिंह के लड़के हुए करते थे, कौन, महाराणा प्रताप। और इतिहास में इनका एक बहुत प्रिय है इनका घोड़ा, मैंने आपको बताया था चेतक नाम का, इनके घोड़ा इतिहास में बहुत फेमस है। और इनके एक हाथी भी थे राम प्रसाद करके, जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं,
मतलब झाबुआ अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी जैसे जिलों में आपको इनका एरिया देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है? और ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रोटो ऑस्टेलाइट होते हैं। प्रोटो ऑस्टेलाइट मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोटो ऑस्टेलाइट, प्रोटो ऑस्टेलाइट जिनके जनजाति को आपने देखा होगा, इनका रंग काला होता है। जिनका मुख्य जो रंग होता है वो क्या होता है? इनका काला होता है। चेहरा इनका बड़ा होता है, जो नाक होती है इनकी बड़ी होती है। तो ये जो कुछ पहचान बताई गई है, इसका मतलब ये क्या होते हैं? प्रोटो ऑस्टेलाइट में आते हैं, है ना। जो इनकी शारीरिक संरचना है, जो इनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आता है, उसके उसके हिसाब से इनको बोला जाता है ये प्रोटो ऑस्टेलाइट होते हैं। तो लिख लीजिए ये क्या होते हैं, ये प्रोटो ऑस्टेलाइट में आते हैं, प्रोटो प्रोटो ऑस्टेलाइट में पाए जाते हैं ये प्रोटो। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो लोग पाए गए थे वो कैसे थे, बताया था ना। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते हो आप कि नहीं जानते? प्रोटो ऑस्टेलाइट, सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई थी ये कब से कब तक चली थी, कोई बताएगा? कब से कब तक चली थी बताइए? 2500 से 1750 बीसी के बीच में सिंधु नदी के किनारे, या इंग्लिश में इंडस कहते हैं, भारत और पाकिस्तान में सभ्यता का जन्म हुआ था, जिसे मेसोपोटामिया के बाद दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहां पर भी जो जनजाति पाई गई थी वो भी कैसी थी? प्रोटो ऑस्टेलाइट्स। क्लियर? चलिए अगला इस पे देखिए, इनकी भी इनकी उपजाति लिखिए, सब कास्ट, उपजाति कौन कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट भील से, भिलाला। देखिए ला से आप याद रख सकते हो, ला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, भिलाला, पटेलिया, बरेला, रथनास। तो ला से याद रख लीजिए आप, भिलाला, पटेलिया, बरेला, रथनास, और एक बैगास भी कहा जाता है, एक बैगास। तो ला और सा को बस याद रख लीजिए तो आपको एक कास्ट का याद हो जाएगी, इसकी सब कास्ट। भिलाला, भी से भात से भिलाला तो याद रख सकते हो, पटेलिया में भी ला आ रहा है, और ये वाली जो ट्राइब है ना, आप लोग देखे होंगे पश्चिम एरिया, मतलब पटेलिया गुजरात में भी देखने मिलती है ना। एक टोरिया करके भी जनजाति वहां पाई जाती है, पटेला, ये क्षेत्र वही वाला है, पूरा वही वाला क्षेत्र में पाया जाता है ना। इसी तरह आपको राजस्थान में भी देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मतलब भारत के भी पश्चिमी क्षेत्र में ये जाति आपको ज्यादा देखने मिलेगी, भील जनजाति। और इसी साइड आप जानते हैं महाराणा प्रताप का भी एरिया था, राजस्थान का मेवाड़। सब लॉजिक समझ रहे हो आप? उसी तरफ ही होता है, पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन उसी साइड है, तो युद्ध भी हुआ था क्योंकि उस साइड ही पाई जाती है। बिलाला, पटेलिया, बरेला, है ना, बरेला, रथनास और बेगास, ये कुछ इनकी क्या होती है? सब कास्ट होती है। ठीक है, अच्छा इस पे देखिए, दो कास्ट जो होती है, एक होती है भील और एक होती है भिलाला। तो याद रखिए, जो भील होती है वो काले होते हैं, इनको काले भी बोलते हैं, और जो भिलाला होते हैं ये थोड़े गोरे होते हैं, इनके कंपेयर में तो इनको उजले कहा जाता है, उजले याद में रखना। ठीक है, उजले ये थोड़े गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं, और ये क्या होते हैं, थोड़े से संपत्ति वाले होते हैं, मतलब राजस लिख लीजिए। ठीक है, ये इनके में डिफरेंस है, भील और भिलाला ये काले होते हैं, और जो भिलाला होते हैं इनको उजले भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि उजले किसको कहा जाता है, तो क्या बोलोगे आप? भिलाला ट्राइब को। और जो भील होते हैं वो क्या होते हैं? काले होते हैं, काले होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर वर्क करते हैं, और ये थोड़े से भील में क्या होते हैं? ऊपरी कास्ट के होते हैं, जिनके पास संपत्ति होती है, ये राजा में आते हैं।
क्लियर। उजले क्या है, उजले बन जाएगा, उजले किसको कहते हैं, भील को, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है, आपको ला याद रखना है, अगर ला याद रखोगे तो यहां से आपका काम बन जाएगा। भिलाला में ला आ रहा है, पटेलिया में ला आ रहा है, बरेला में ला आ रहा है, भील में आ रहा है तो क्या होते हैं, काले होते हैं, और भिलाला में आते तो क्या से होते हैं, उजले होते हैं, ठीक है। अब इनकी सामाजिक लिख लीजिए, सोशल स्पेशलिटी क्या होती है इनकी, ये भी क्या रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, यहां पे भी वधू मूल्य का, वधू मूल्य प्रचलन में है, और यहां भी जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुखिया होता है वो कौन होता है बताइए, वृद्ध पुरुष होता है। वैसे ये सब बहुत कॉमन है, सभी के यहां पे यही चलता है। ये भी क्या होते हैं, पितृ सत्तात्मक होते हैं, ये कोई अलग सी चीज नहीं है, ये सभी जगह आपको यहां पे देखने मिलेगा, है ना। पर कुछ स्पेशल है वधू मूल्य, वधू मूल्य मतलब आपको समझ में आ गया कि कन्या वाले, ये दहेज नहीं है, ये एक राशि दी जाती है सिक्योरिटी के रूप में, लड़की वाले लड़के को दिया जाता है और उसके बाद उसको वो वापस कर दिए जाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ वापस नहीं किया जाता, याद रखना, डाउरी एक्ट आया था 1961 के तहत, जिसके तहत दहेज लेना एक कानूनन जुर्म है, ठीक है, मगर लोग लेते हैं। मेरा मानना तो ये है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दहेज लेते हैं, जो अपनी दम पर कुछ कर नहीं सकते वो लिया करते हैं, ना। चलिए समझ में आया इनकी सामाजिक विशेषताएं या सोशल विशेषताएं, ये संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वधू मूल्य जो प्रचलन रहता है इनका, मुखिया जो होते हैं वृद्ध पुरुष रहते हैं, और क्या होते हैं, पितृ सत्तात्मक रहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी जो प्रथाएं हैं, जो भी चीज अपनाई जाती है वो कहां पे, पितृ सत्तात्मक मतलब पिताजी वाले घर में, है ना, पैट्रिसाइट कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी आर्थिक अगर हम देखते हैं तो इसकी आर्थिक क्या है, आर्थिक विशेषताएं बताइए, आर्थिक विशेषता में क्या होते हैं, ये किसान होते हैं, क्या करते हैं, किसान होते हैं, किसान खेती करते हैं, है ना, कृषि से जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज इनकी कृषि को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट, चिमाता कृषि, एक चिमाता कृषि करते हैं ये, और एक और कौन सी कृषि करते हैं ये, दाहिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैदान में करते हैं, मैदान इलाकों में की गई कृषि, मैदान इलाकों में की गई कृषि, बीलों के द्वारा मैदान इलाकों में की गई कृषि को हम क्या बोलते हैं, चिमाता कृषि। क्वेश्चन पूछा गया है ये किसकी कृषि है, बीलों की। और दाहिया गोंड में भी चलती थी, यहां भी चलती, मगर ये कहां होती है, पहाड़ों में, पहाड़ों में की गई कृषि। और यहां पर आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण चोरी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर आर्थिक स्थिति क्यों दयनीय होती है, क्योंकि इनका जो पेय पदार्थ होता है वो क्या होता है, पेय पदार्थ मतलब क्या होता है, ताड़ी, ताड़ी मतलब कच्ची शराब, और इसी पे लोग डूबे रहते हैं, कच्ची शराब, ये काय से बनती है, किससे बनती है, कच्ची शराब किससे बनती है, महुआ, ठीक है। मैंने मधु, मधु करके को बताया था ना, मधु लिखिका करके इसका एक साइंटिफिक नेम बताया था महुआ का, तो ये महुआ से बनती है, ठीक है। तो आपसे इनका क्वेश्चन पूछेंगे, इनका जो पेय पदार्थ होता है वो क्या होता है, ताड़ी, और ताड़ी जो होती है ये कच्ची शराब होती है, और ये महुआ से बनती है, तो इन लोग का आधा जीवन तो इसी पर चला जाता है, और इससे क्या होती है, इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, और जब कुछ नहीं रहता तो ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो वो भी उसका प्रचलन यहाँ पे देखना मिलता है।
तो इनका पेय पदार्थ क्वेश्चन पूछता है ताड़ी। और एक फैक्ट और मैंने आपको भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस्लाम धर्म अपनाते हैं, जो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं जो भील, उनको हम क्या कहते हैं? तड़वी भील कहते हैं। तड़वी भील कहते हैं। जो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तड़वी भील कहते हैं। वैसे धार्मिक विशेषताएं में आएगा, जो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तड़वी भील। तो ताड़ी इनका बहुत प्रिय पदार्थ है, क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्या होती है? कच्ची शराब जो कि महुआ से बनती है, और इसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, जिससे किसका सेवन करते हैं? क्या करते हैं? चोरी करते हैं और टकैती करते हैं। ठीक है, चलिए आज थोड़ा मेरा काम है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं, है ना। कल मैं और आपको ये सब रिवाइज करवा दूंगा एक बार, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। जय हिंद।